Hello, good morning friends. Welcome to our channel Fresh Panda. Today we'll discuss about the hemispherical head. जो प्रेशर वेसल का पार्ट है, जो आज तीसरा पार्ट है, हम लोगों ने बात किया था टॉरियोस्फेरिकल, एलिप्सॉइडल और हेमिस्फेरिकल के बारे में. तो दो हमने बात कर ली, उसके बारे में बता दिया. अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है तीसरा, हेमिस्फेरिकल हेड. तो चलिए देखते हैं. हेमिस्फेरिकल हेड, हेमिस्फेरिकल हेड, टॉरियोस्फेरिकल और एलिप्सॉइडल में हमने देखा कि उसमें दो मुड़ा हुआ है. एक तो पहले क्राउन रेडियस और नकल रेडियस, और इसे हेमिस्फेरिकल हेड में कोई क्राउन रेडियस एंड नकल रेडियस नहीं होता है, ये स्फेयर होता है. ये कंप्लीट स्फेयर का स्फेरिकल है, ये स्फेयर है. इस स्फेयर का जो सेंटर है, ये यहां से काट देते हैं तो ये हमारा हेमिस्फेरिकल हेड बन जाता है. यानी कि इसका जो आईडी है वो जो डी आईडी है वो यहां भी सेम रहेगा, इस तरह से इधर भी रहेगा. ये जो रेडियस है आर, यहां पर भी वो आर रेडियस रहेगा. और इसका थिकनेस मान लीजिए टी है, ये थिकनेस, ये मान लीजिए थिकनेस टी है और ये रेडियस आर है. जैसा कि हमने बताया कि इसमें कोई डबल झुकाव नहीं है. यहां पर जैसे हमने बताया था कि क्राउन रेडियस होता है, यहां क्राउन रेडियस होता है, सॉरी यहां नकल रेडियस होता है, यहां क्राउन रेडियस होता है. तो इस केस में ये सारा रेडियस, ये आर, ये सेंटर पॉइंट है, ये हर एक जगह डिस्टेंस आर ही रहेगा. इसलिए इसको हेमिस्फेरिकल, स्फीयर का आधा पार्ट है, इसलिए इसको हम हेमिस्फेरिकल बोलते हैं. इसमें कोई स्ट्रेट फेस नहीं होता है, स्ट्रेट फेस नहीं होगा, स्ट्रेट फेस जीरो, ओनली यस रेडियस है और थिकनेस. तो इसमें बहुत सिंपल है, ये हमारा डेप्थ है, ये हमारा डेप्थ, यानी कि हाइट बोलिए एच, हाइट है वो, हाइट एच है और ये रेडियस आर है. तो हम इसका अगर इनसाइड डिस रेडियस निकालेंगे, इनसाइड डिस रेडियस, इनसाइड डिस रेडियस, तो ये आईडी हो गया, आईडीआर इसको बोलते हैं, आईडीआर शॉर्ट फॉर्म में. आईडीआर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा डायमीटर, डायमीटर डिवाइडेड बाय टू, मतलब आईडी इंटरनल डायमीटर बाय टू, दैट मीन्स डी बाय टू. अगर कोई स्फेरिकल तो इंटरनल डिस रेडियस जो हो जाएगा आईडी बाई टू, मीन्स के आईडी है टी और डी बाई टू, ये हो गया हमारा, जो कि हमने आर से दिखाया है इसको, ये आईडी आर है, आर है, ठीक है. ये बहुत आसान है. अब इसमें देखिए, आपने सर्कल का तो देखा होगा, सेम सर्कल का जो फॉर्मूला होगा, एक प्लेन, ये थ्री डी में चारों तरफ सर्कल रहेगा तो वो हो जाता है स्फीयर. अगर एक प्लेन में हम देखेंगे तो एक ही सर्कल रहेगा,
तो हम यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला लगाएंगे वो सर्कल के रिलेवेंट लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम ब्लैंक डाया निकालेंगे ब्लैंक डायर, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, पुनः मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा हो तो आप वहां जाके देख लें। देखिए ये हो गया आपका विड्थ प्लेट का 2500 और ये हमारा 10 मीटर, ये हमारा प्लेट है। अब इसको हमको इस तरीके का फॉर्मिंग करना है तो सबसे पहले हमको इसके लिए ब्लैंक डाय काटना पड़ता है। तो जैसे हमने बताया कि इसको हम थोड़ा ओपन कर देंगे, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, उसका स्क्वायर का बाउल आप देख रहे हैं जो स्फेरिकल हो, उस बाउल को लिए और उसको चारों तरफ से काट करके उसको चिपटा कर दीजिए। चिपटा करने के बाद जो फैल के बनेगा, जैसे ये बाउल है, ये स्फेयर है, अब इस स्फेयर को हम क्या करेंगे, हैमरिंग कर करके हम इसको फैला देते हैं। ये इसको हम फैलाते 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 कहा माने कि यहां तक आ गया, मारते हैमरिंग कर करके होगा ऐसे करके हम इसको यहां तक ले आए, ये फैल के यहां तक आ गया और इसको भी, इस सेट को भी ऐसे ही फैलाएंगे, हैमरिंग कर करके फैला दिए, ये फैला दिए, ये क्या हो गया, ये एक प्लेन में एक लाइन बन गया। एक आपको 2D प्लेन में बोर्ड पे लाइन दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल केस में क्या हो जाएगा, ये इस सेंटर का, इस सेंटर से इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा, इस सेंटर से ये जो कि स्फेरिकल पार्ट है चारों तरफ, तो ये ऐसे ऐसे करके एक सर्कल का शेप में डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये चारों तरफ है, तो ये इस तरीके का एक सर्कल का शेप में डेवलप हो जाएगा। तो ये फुल डेवलपमेंट है, यही उसका क्या पेटल का ब्लैंक बन गया। अब इसी ब्लैंक को हम यहाँ 2D प्लेट पे काटेंगे क्योंकि 2D डायमेंशन हो, इसी को हम इस ब्लैंक पे काटते हैं। तो हमको पता करना है कि ये रेडियस क्या होना चाहिए, जब ये रेडियस पता चलेगा तभी हम ये रेडियस यहाँ पर मार्किंग करके काट सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं काट सकते। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, इसमें देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर में मैंने बताया कि एक प्लेन में कट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल का हम सारा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो ये ब्लैंक डाय क्या होगा, अगर एक सर्कल हमारा बनेगा तो ये क्या होता, OCF कितना होता, पाई डी पूरा पाई डी बाई 2 हो जाएगा। यहां ब्लैंक डाय हमारा हो जाएगा पाई डी बाई 2 क्योंकि पूरा अगर हम एक स्क्वायर की बात करते तो ये हो जाता पाई डी, लेकिन हम एक ब्लैंक की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया पाई डी बाई 2। तो कोई भी अगर हमारा इंटरनल डायमीटर IDR दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर हमको दिया हुआ है D, तो उससे हम ब्लैंक डाय आसानी से निकाल लेते हैं पाई डी। ये बार बार ध्यान रखिएगा, ये ओनली हेमिस्फेरिकल के केस में इम्प्लीमेंट होता है, टॉरस्फेरिकल और इलिप्सॉइडल के केस में हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया उस तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करिए। ये ध्यान रखिए कि इसमें नकल रेडियस और क्राउन रेडियस नहीं है, जबकि टॉरस्फेरिकल और टॉरस्फेरिकल और इलिप्सॉइडल के केस में नकल रेडियस और क्राउन रेडियस था, इसलिए हम लोग का फॉर्मूला वहां डिफरेंट था क्योंकि ये सर्कुलर शेप में नहीं है, ये हेमिस्फेरिकल वो सर्कुलर शेप में नहीं था, ये सर्कुलर शेप में है।
अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो ये बहुत इजी था, ब्लैंक डाया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको जनरली अगर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको जनरली ये सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए कि ब्लैंक डाया कितना होगा, किसी हेड का कौन सा हेड इस्तेमाल करते हैं। तो आप जनरली इस्तेमाल करते इलिप्सॉइडल या टॉरियस स्फेरिकल, तो आपको बताइए। हेमिस्फेरिकल भी इस्तेमाल करते लेंगे, तो उसमें जनरली पूछा जाता है कि ब्लैंक डाया कितना होगा। आप ब्लैंक डाया क्यों, तो हमने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला से आप बहुत ही आसानी से ब्लैंक डाया कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये ब्लैंक डाया हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या हो गया। देखिए डी इंच में अगर हम कैलकुलेट करते हैं बाय 12 का होल क्यूब इनटू 1.958, ये हमारा गैलन में आएगा। गैलन में क्यों आएगा, क्योंकि हम डायमीटर इंच में लिए हैं। अगर हम एमएम में लेंगे तो दूसरा यूनिट आएगा। हम यहाँ इंच में डायमीटर लिए हैं, इसीलिए इंटरनल डायमीटर, इसीलिए हमारा वॉल्यूम गैलन में आएगा। तो वॉल्यूम मीन्स कि हम इस हेड में जो ये हेमिस्फेरिकल हेड है उसमें अगर हम पानी डालते हैं और उस पानी को हम किसी बीकर या बड़ा बीकर या वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो टूल्स रहेगा उसमें डालेंगे, तो वो जितना वॉल्यूम बताएगा, पानी का जितना वॉल्यूम बताएगा उतना इसका वॉल्यूम हो गया। इसीलिए ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है डी आई डी जो इंच में लेंगे बाय 12 होल क्यूब इंटू 1.958, ये मल्टीप्लाई होके जितना भी रिजल्ट देगा उतना गैलन हम कंसीडर करेंगे। कोई भी टैंक या कोई भी चीज का हो, जो सिलिंड्रिकल हो या फिर स्फेरिकल हो, तो उसका वॉल्यूम देखिएगा कि दे रहा था, और वो वॉल्यूम गैलन में जनरली कैलकुलेट करता है, इसलिए हम आपको गैलन में बताया। अब देखिए हमने ये तीनों हेड का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तीनों हेड के बारे में बताया। अब इसमें और चीज है कि इसमें देखिए जब प्रेशर करेंगे तो सम हाउ थिनिंग एलोवेंस भी रहेगा। जब हम प्रेशराइज करते हैं इसको तो सम हाउ थिनिंग एलोवेंस होता है। तो थिनिंग एलोवेंस क्या होता है, थिनिंग एलोवेंस, थिनिंग एलोवेंस 10% ऑन ऑल थिकनेस, 10% ऑन ऑल थिकनेस थिनिंग एलोवेंस होता है। 12 mm एंड अपर 12 mm अपर क्या करना होता है, एड 1.5 mm टू द मिनिमम। उधर मिनिमम ओवर 12 mm एड 1.5 mm और 15%
ऑफ मिनिमम विच एवर इज ग्रेटर। तो ये थिनिंग लाइन्स, अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। 10% ऑन द ऑल थिकनेस, कोई भी थिकनेस है, टी है, T20 है, तो थिनिंग अलाउंस उसमें हो जाएगा, ऐड करके आपको रखना होगा। क्योंकि अगर क्या होता है कि जब हम प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसमें सम हुआ थोड़ा थोड़ा प्रेशर होने से ये प्लेट जो है थीन होगा, चौड़ा होगा। 10 mm है तो उसमें 10% 10 mm का 10% कितना हो गया 1 mm। चांस है कि वो प्लेट 10 अगर mm में एग्जैक्ट 10 mm का लेकर के डिश बना रहे हैं तो उसमें चांस है कि वो प्रेस होने के बाद 9 mm थिकनेस का हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी डिसेंट को प्रेशर फॉर्मिंग करने के लिए लेके जाएंगे तो हम 10% जो है ना उसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि 10 mm के जगह पर हमको 11 mm का यूज करना चाहिए ताकि हमको एग्जैक्टली 10 mm मिले। तो हम उसके लिए हम सिलेक्शन करेंगे से हायर थिकनेस का। अगर 12 mm एंड अपर है तो ऐड 1.5 mm टू द मिनिमम। 12 mm है तो मिनिमम में कम से कम 1.5 mm हमको ऐड कर देना चाहिए उसमें। अगर 12 mm है तो हमको 14 mm का प्लेट यूज करना चाहिए। 12 mm डिजायर्ड है तो हमें यूज कितना करना चाहिए, 12 प्लस 1.5 13.5 mm। अगर 13.5 mm का प्लेट तो हमारे पास मिलेगा नहीं, इसीलिए हम 14 mm का प्लेट इस्तेमाल करेंगे। और उस 14 mm प्लेट को प्रेस करने के बाद, फॉर्म करने के बाद हमको 12 mm का डिजायर्ड डिसेंट मिल जाएगा। इसीलिए ये थिनिंग अलाउंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप डिसेंट का फॉर्मिंग करेंगे उसके लिए आप जब सिलेक्शन करते हैं प्लेट का, जब सिलेक्शन करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे। ओवर 12 mm एट 1.5 और 15% ऑफ मिनिमम विच एवर इज ग्रेटर। आइदर मान ले कि हम ओवर 12 mm हम लेते हैं, जैसे हम लीजिए 15 mm का प्लेट लिए तो उसमें आइदर 1.5 mm जोड़ देते हैं। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं 15 mm का 15% कितना हो गया, 15% कितना हुआ 15 × 15 = 225 2.25 mm। तो 2.25 mm कह रहा है कि एड 1.5 mm और 15% ऑफ मिनिमम विच एवर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर क्या है 1.5 पर आया या 2.5, तो 2.25 इज ग्रेटर देन 1.5, तो हमें ये सिलेक्शन करना चाहिए 15% ऑफ द मिनिमम। इसको हम सिलेक्शन करके 2.25 mm का हमको उसमें ऐड करना चाहिए। तो हमें कितना का प्लेट यूज करना चाहिए, 15 प्लस 2.25 इक्वल टू 17.25 mm। और 17.25 mm का तो प्लेट मिलता नहीं, तो इसके लिए हमको 18 mm का प्लेट इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हमें 15 mm का डिजायर है कि हमारा डिश है आफ्टर फॉर्मिंग 15 mm चाहिए,
तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए 18 mm का प्लेट। 18 mm का प्लेट हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमको डिजायर्ड 15 mm का थिकनेस का डी स्टैंड आफ्टर फॉर्मिंग मिल जाएगा, जो कि हमारे क्यूसी को एक्सेप्टेबल होगा, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि प्रेशर वो सस्टेन करेगा। अब यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, थिकनेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर जो होता है हुक्स लॉ के हिसाब से, जो इनसाइड प्रेशर जो बिल्ट अप होता है वो थिकनेस पे डिपेंड करता है। एलाउएबल प्रेशर जो होता है वो थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर थिकनेस कम हुआ तो वो ब्रस्ट कर जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि थिकनेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्शन के समय में हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं या फिर कहीं पर टका लगाते हैं और उसको उखाड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, उस समय देखते हैं वहां पर डेंट बन जाता है। वहां डेंट बनने से वह क्या होता है, वहां पर स्ट्रेस क्रिएटेड डेवलप हो जाता है, जहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वहां से ब्रस्टेज का चांस हो जाता है, वहां से टियर हो सकता है। इसीलिए प्रोडक्शन के समय हमको उस चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और मिनिमम थिकनेस ऑफ द सेल या ऑफ द डी स्टैंड को मेंटेन रखना चाहिए, ताकि वर्किंग प्रेशर को सस्टेन करे, मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर को वो सस्टेन करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको इजीली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।